मेरे पापा का नाम पाल मडतिल नारायण पणिक्कर केशव पणिक्कर, अभी उनका उम्र 90 साल हो गया है। वो एक जॉली गुड फेलो है। हर हफ्ते वो मूवी जाते थे, सब बच्चे लोगों को झूठ बोल के कुछ बहाना बना के भाग जाते थे। ये सिनेमा की कहानियाँ उसके साथ हमारे आसपास के लोगों की कहानियाँ को भी सुन के खुद का भी मिलावट डाल के वो कहानियाँ बनाते थे। बातचीत उनको बहुत पसंद है, हमेशा लोगों के साथ खुल के बात करने का एक आदत भी है उनका। मज़ेदार तरीके से बात करने के लिए बस बहुत सारा सब्जेक्ट था। लास्ट में वो बोलता था कि ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भूत लोगों को भागना पड़ा, क्योंकि तार वार में अटक के शॉक लगता था उनको, और बिजली आने से अंधेरा भी कम हो गया। उनके पास हमेशा हर चीज़ के लिए एक कहानी होता था, एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होता था उनके पास। स्त्री अपमृत्यु के कारण मर जाती है, इसी समय उसकी प्रेत बिना बच्ची के तरह आविर्भाव होता है दुनिया में। दूर दूर से उनके आने का इरादा मिलता है, तोड़ने पत्ते अब चिल्ला चिल्ला कर तोड़ने पत्ते का मतलब यह है 90+10 100 नहीं मालूम ईना बेची को, इसलिए तोड़ने पड़ते रिपीट करता है। रूप का सीजन होता है ना, ये नट नीचे गिर जाएगा, ये पकड़ पकड़ के एक एक करके गिनती है, तोड़ने पड़ते एक दो तीन नहीं आता, गिनना नहीं आता। फिर 2:30 रात में ये उठ के इना बच्ची बाल की तरह फुटबॉल की तरह रोल रोल के संचार करते हैं। गर्भवती महिलाओं को कच्चा आम बहुत पसंद है। हाँ, इसलिए इना बेची ये आम इकट्ठा करते हैं। मर्द लोगों से डरते हैं क्या इना बेची? मर्द का शब्द सुनते ही डरते हैं। आसमान और जमीन छूते भी नहीं। अरुगला का रूप कैसा है? शरीर देखा है, खतरनाक बड़ा है। उसका मुंह कैसा है? मुंह कैसे है तो भयानक है, साफ साफ नहीं देखा। पीछे आते समय बीच का आवाज हम सुन पाते हैं, चिल्लाना का आवाज तो हमको देख पड़ेगा, ये पहाड़ की तरह ये बड़ा भीमाकार रूप। ऐसे बोलते हैं लोग अपमृत्यु के कारण जो प्रेत होता है ये नारवला बन जाते हैं। ऐसी कुछ आवाज पीछे से आएंगे, मुड़कर देखा नहीं। ओहो, ऐसा पीछे देखे तो ये हमारे हाथ के बीच में से ही गुड़ को देखना है, उनको मालूम पड़ता है। ऐसे देखे तो हाथ के बीच में गला दबाएगा, तो फिर वो डर के मारे नहीं आएगा, डरते नहीं आएगा पीछे। अच्छा, देखेगा।
कुटचतन हमारे दुश्मन को सताने के लिए हम करते तो ये जाएगा और सताएगा। अच्छा 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 हमारे प्रार्थना से हमको इसका अस्तित्व मिलता है। हमारे प्रार्थना से प्रसन्न होके ये हमारे सेवा करेगा। नौकर की तरह बर्ताव करते हैं हमारे साथ, वेरी ओबीडियंट है, कुछ भी कर सकते हैं। दुश्मन के घर के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट मनुष्य के शरीर पर फेंकेगा और घर पर भी फेंकेगा, ऐसा परेशान करते हैं बेचारा। आपने देखा है उनको? नहीं देखा है, लेकिन ये मूर्ति को देखा है मैंने। अच्छा अच्छा, इसका मंदिर है, मंदिर में आचार विचार ठीक है, दोपहर को या रात को 12 बजे को नजर में आता है। कितना लंबा है जमीन से? शायद ये 1.5 फुट। एक बार दिखाएंगे? देखते इतना हाथ से दिखाएगा तो चलेगा। इतना बस। ओके ओके। देखने में कैसा है? हाथी की तरह स्मार्ट क्रिएचर, हाथी का जेंचर है ना, जेंचर जेंचर तो ट्रंक में लेके गिरा गिराते हैं चलते हैं। कैसे कोई बच सकता है? यह पैसे की जरूरत कुछ नहीं, ये तो आराधना मूर्ति है, हमें देखे भी ये गायब हो जाता है। अच्छा अच्छा, हमारे आवाज सुन के वो जिंदगी गायब हो जाए, सताता नहीं है हमको। इंटरवल है, दुर्देव है। अच्छा। इसलिए हम आराधना नहीं करते, पानी में मरा हुआ लोगों का आत्मा को नेचर में मिल जाता है। ये लोग मेरा भी एक अनुभव है, एक दिन शॉपिंग करके मैं घर वापस आ रहे थे, रात को या दिन में? रात में 8:30 बजे और 9 बजे होगा शायद। रास्ता तो भूल गया मैंने, एक आवाज पीछे से सुनी, अकेले होने के टाइम में पानी में डूबा कर मारते हैं, इसका आदत है। एक ही रास्ता है। अच्छा। एक लोहे को पकड़ना, टंडन को देखा है? मैंने देखा है, सुबह सुबह 4:30 बजे में मैं मंदिर जाते समय एक मंदिर के रास्ते का एक मंदिर है, मंदिर के पश्चिम द्वार पर बैठा रहता। अच्छा अच्छा, उसका दांत कैसा है? दांत को नहीं देखा है। आंख कैसे? आंख देखा लाल गोला का, बड़ा बड़ा आंख है, बड़ा बड़ा आंख है। उसका साइज कितना होगा? 6 फुट 6-7 फुट होगा। नहीं वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आंख का साइज कितना होगा? आंख का साइज तो ये देखता कमल का इतना बड़ा नहीं हो तो, ये तो बचने का तरीका, बचने के तरीका कुछ भी नहीं। ये तो हमारा आराधना मूर्ति है, हमारे भलाई के लिए हम आराधना करते हैं। फिर कभी देखा इसको? नहीं देखा। आपके पीछे भी नहीं? कभी पीछे भी नहीं आया। अच्छा अच्छा।